अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औरत किस मर्द को ज़्यादा चाहती है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक औरत किस मर्द को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सबसे पहले मैं आप सबको अपने YouTube चैनल देसी क्लिनिक पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके आसपास रहने वाले तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं कोई नुस्खा नहीं बताने जा रहा, बल्कि एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़कर आप बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई मर्ज लाहक है तो इसके लिए आप मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में अपने मसाइल पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं नुस्खा कोई नहीं बता रहा। बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें जो ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि अपने मर्द की हर ज़रूरत का ख्याल रखती हो, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसी औरत मिलती है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि मर्द को पता ही नहीं होता औरत को क्या पसंद है और क्या नापसंद। हमारे माशरे में कुछ ऐसे मर्द भी हैं जो ये समझते हैं कि औरत सिर्फ ठोका ठुकाई के लिए है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। औरत की भी पसंद नापसंद होती है। जिस तरह मर्द चाहता है कि औरत इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, इस तरह औरत भी चाहती है कि मर्द इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखे। ये तो आम तौर पर शादी के बाद का अमल है, और शादी से पहले औरत की पसंद नापसंद क्या होगी? कुरान पाक में है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, इसलिए रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। आप लाख कोशिश कर लें किसी को फंसाने की, लेकिन आप तभी कामयाब होंगे जब वो आपके नसीब में होगी। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि शादी से पहले किसी भी लड़की या औरत को फंसाना नाजायज अमल है। ऐसे लोग जो शादी से पहले ही प्यार का ढोंग रचाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। जब ही ठोका ठुकाई हुई, प्यार ख़त्म और लड़का लड़की किसी और के साथ। इसलिए औरतों को ये ख्याल करना चाहिए कि शादी से पहले किसी नामहरम से राबता ना रखें। ऐसे लोग जो शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं वो बहुत जल्दी बेरोज़गार हो जाते हैं, और फिर लड़का लड़की की शादी भी नहीं हो पाती। अल्लाह से अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। वो पाकजात तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है, और वो ज़ात 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली। आखिर में आपसे दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा, मेरा चैनल देसी क्लिनिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।